सिद्धि की गौरव गिरी के मोर कारी जी सी बीहड़ पर्वतों के शिखर में कल कल छल छल करती चंचल धाराओं के अंचल में आदि कवि बाण भट्ट श्रृंगी ऋषि जैसे साधक रत तपस्वियों के लिए सिंगरौली जिले का सरई तहसील के घोघरा नामक पंचायत में ऊंचे पर्वत पर विराजमान धनुजा माता रानी का सुंदर मनमोहक छोटा सा मंदिर विराजमान है। वैभव विपुल रत्न प्रसूता रिद्धि दात्री माता धनुजा नवरात्र के अवसर पर लाखों लाख लोगों के आस्था विश्वास के साथ भक्ति रूपी साधना शिक्षा की सिद्धि की दिशा में उन्मुख करने के लिए सर्व हितकारी है। कहा जाता है कि लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्राह्मणी महिला को स्वप्न हुआ, तब वह भयंकर जंगल था, जंगली जानवरों का डेरा था। बताते हैं उसी जगह पर शेर रहता था जिसका माद घर आज भी उपस्थित है। महिला ने बिना डरे आकर पूजा करने लगी और समय गुजरता गया। कुछ धर्मज्ञ सेठ लोगों ने छोटा सा मंदिर बनवाया और बाद में 101 सीढ़ी का भी निर्माण करवाया गया। आज माता धनुजा का मंदिर माता मेहर वाली के तर्ज पर निर्मित है, जहाँ पर 101 सीधी सीढ़ियाँ बनी हुई है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ों के बीच में छोटा सा मंदिर अति सुंदर लगता है। नवरात्र के दिनों में लाखों लाख नारियल प्रसाद फूल फल के साथ लोगों द्वारा अपने सुखी जीवन और दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए माता धनुजा की शरण में आते हैं। मानवता का पथ आलोकित करने वाले लोगों का कभी न कभी इस युग में प्रादुर्भाव होता ही रहता है, जो कुछ न कुछ निस्वार्थ भाव से धर्मार्थ करने को आतुर रहते हैं और आज परिलक्षित भी हो रहा है। धनुजा प्रांगण इतना मनमोहक है कि यदि मानव कुछ अंशित धर्मदान या फिर श्रमदान उस रमणीयता को बढ़ाने में लगा दे तो शायद यह स्थान प्रदेश में एक कड़ी और जुड़ जाएगा। बाद में फिर उन्होंने ही सीमेंट और ईंटें का छत डाल के गाटर पट्टिया से मंदिर बनवाया। लगभग 85-86 में जब हम लोग पढ़ते थे पचमी छठवीं में, तो यहाँ मंदिर के निर्माण में ईंटें का ढुलाई का काम हम लोगों ने भी किया। हमारे कई मित्र उसमें शामिल थे। 91-92 में सीढ़ी निर्माण में हमारे यहाँ सरई में एक व्यापारियों के साथ आदर्श जनसेवा समिति, मैं उसका स्वयं सचिव था, प्रकाश चंद गुप्ता अध्यक्ष थे, फिर बाद में बिहारी जनरल स्टोर वाले अध्यक्ष हुए। हम लोगों ने मिलकर के मंदिर का पुनरुद्धार और सीढ़ी निर्माण का प्रयास किया था। यहाँ बिजली लगवाने का प्रयास किया था। चूँकि ये मंदिर वन भूमि पर है, इसलिए समय समय पर वन विभाग से भी बातचीत करके कुछ करना हो पाता है। बाकी वन विभाग के नियमों का पालन भी बड़ा कठिन रहता है। और उसके बाद लगभग आज से 10-12 वर्ष पूर्व अपने एक व्यवसायी हैं राम नरेश गुप्ता जी, जो मूलतः व्यवहारी के रहने वाले थे। वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए सिंगरौली से आधा तिवारी की रिपोर्ट।